आत्मा की खोज, अनंत शक्ति, आनंद और शांति, ईश्वरीय भक्ति के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल से। आपका अपना चैनल गुरु अशोक तिवारी। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय माता की। जय प्रसाद। श्री गणेशाय नमः। तो प्रिय बंधुओं, मुंजवान पर्वत के ऊपर से जो स्वर्ण राशि महर्षि वेद व्यास के आदेश अनुसार पांडव लोग हस्तिनापुर लेकर के आए थे, उस दिव्य राशि से पांडवों ने एक महान अश्वमेध यज्ञ किया। और जब अश्वमेध यज्ञ समाप्त हो गया तो उसके समाप्ति के दिन सभी आचार्य और ब्राह्मणों को दक्षिणाएं बांटी जा रही थी, गरीबों को भी दान दिया जा रहा था, बहुत सारे लोग वहां आकर के भोजन कर रहे थे और सब लोग पांडवों की बड़ी प्रशंसा कर रहे थे। लोग कह रहे थे कि ऐसा यज्ञ आज तक ना तो किसी ने किया है और संभवतः भविष्य में ऐसा यज्ञ होगा भी नहीं। तो जनता जनार्दन के मुख से जब ऐसे अपने द्वारा किए गए यज्ञ की बड़ाई धर्मराज के शेष चारों भाइयों ने सुनी तो उनके मन में भैया अहंकार आ गया। विचार करने लगे कि हमारे जैसा यज्ञ करता कोई नहीं है, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये जनता कह रही है। अब उनने ये भाव प्रकट तो नहीं किया, लेकिन मन में तो उनके ये बात आ गई। आप भला बताओ, भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज से कोई बात कैसे छिपी रह सकती है? वे तो अर्जुन, भीम, नकुल और सहदेव के मन की बात को समझ गए। विचार करने लगे कि मेरे भुआ जी के लड़कों के मन में अहंकार आ गया है और मेरा काम है कि मुझे जो चाहते हैं उनके मन में यदि अहंकार का थोड़ा सा भी बीज आ जाए, जरा सा भी पौधा पनप जाए, तो मैं उसे समूल उखाड़ करके और फेंक देता हूँ। अब उस अश्वमेध यज्ञ से संबंधित जो उत्तर कार्यक्रम है, जैसे भोजन और दक्षिणा इत्यादि, ये तो सब चल ही रहे थे कि इतने में क्या हुआ कि एक नेवला वहाँ आ गया और वह नेवला उस जगह लौटने लगा जहाँ की लोग भोजन के पहले और भोजन के बाद में अपने हाथ मुंह इत्यादि धोते थे। तो वहाँ पे थोड़ी सी कुछ जल मिश्रित मिट्टी, जिसे हम कीचड़ कहते हैं, तो वो कीचड़ हो गई थी। अब उस कीचड़ में वो नेवला लौट रहा था। तब भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज हंसते हुए धर्मराज से कहने लगे कि धर्मराज, इस नेवले से तो पूछो, ये बार बार क्यों उस कीचड़ में अल्टी पल्टी मार रहा है? तब धर्मराज हंसते हुए कहने लगे कि प्रभु, आप कैसी बातें करते हैं? अरे यह जीव हम मनुष्यों की बातें कैसे समझ पाएगा और हम इसकी बातों को कैसे समझ पाएंगे? तब भगवान कहते हैं कि नहीं धर्मराज, सुनो, इसमें कोई तो कारण है। ये नेवला बार बार कीचड़ में क्यों पलटी मार रहा है? चलो ऐसा करते हैं कि मैं अपने योग बल के प्रभाव से इसकी जिभ्या के ऊपर सरस्वती का आवाहन करता हूँ और फिर हम इससे पूछते हैं कि क्या कारण है, वो कीचड़ में क्यों अल्टी पलटी मार रहा है, इसे क्या कष्ट है? तब धर्मराज ने कहा कि जो प्रभु की आज्ञा। भगवान ने अपने योग बल के प्रभाव से सरस्वती का आवाहन किया और सरस्वती को उस निवले की जीभ के ऊपर बिठाल दिया। तब धर्मराज कहने लगे कि हे नकुल, तुम बताओ, तुम्हें क्या कष्ट है? तुम इस कीचड़ में क्यों अल्टी पलटी मार रहे हो? तब वह निवला कहने लगा कि प्रभु,
मैं कुरुक्षेत्र से आया हूँ और बड़ी ही आशा के साथ में आपके इस दिव्य यज्ञ में आया था। मैंने सुना था कि आपके यहाँ पर जो यज्ञ हुआ है, इस यज्ञ जैसा यज्ञ ना तो अभी तक हुआ और ना भविष्य में होगा ऐसा यहाँ उपस्थित लोग कह रहे हैं, परंतु मेरा यहाँ पर आना निरर्थक ही साबित हुआ। इससे बड़ा यज्ञ तो कुरुक्षेत्र में जहाँ मैं रहता था वहाँ पर एक ब्रह्म ऋषि निवास करते थे, तो तुम्हारे इस यज्ञ से बड़ा यज्ञ तो वे ब्रह्म ऋषि प्रतिदिन करते थे। तब धर्मराज ने कहा कि नकुल बताओ, वे ब्रह्म ऋषि किस प्रकार से यज्ञ करते थे? तो निबला कहने लगा कि प्रभु, वे कभी किसी से कोई वस्तु मांगते नहीं थे, प्रतिदिन स्नान ध्यान करके अपने ठाकुर जी का पूजन करते और खेतों में जाते, वहाँ उन्हें पड़ा हुआ जो अनाज मिल जाता था उस अनाज को चुनकर उसे पीसकर वे उसका सत्तू बनाते और सत्तू बनाने के बाद उसमें से एक भाग अतिथि के लिए और अपने ठाकुर जी के लिए निकाल के रखते और जो शेष बचता उसे अपने परिवार में मिल बाँट के वो खा लेते थे। ऐसा उनका प्रतिदिन वह सतुआ यज्ञ चलता था। तो एक बार क्या हुआ कि बड़ा भयंकर अकाल पड़ गया, खेतों में फसल नहीं हुई और उन ब्रह्म ऋषि के परिवार को बिना भोजन के कई दिन व्यतीत हो गए। फिर घूमते घूमते एक जगह उन्हें कुछ थोड़ा अन्न प्राप्त हुआ, उस अन्न को ईश्वर की कृपा समझ करके और उन्होंने घर ले आए, उसे पीसा और उसका सत्तू बनाया। अब सत्तू बनाने के बाद एक भाग उनने जैसे ही ठाकुर जी या अतिथि के लिए निकाला और शेष भाग अपने परिवार के लोगों के सामने प्रस्तुत कर दिया। अब वो भोजन करने ही वाले थे कि इतने में क्या हुआ कि एक विरक्त पुरुष आ गए, बोले मैं बड़ा भूखा हूँ, मुझे भोजन कराओ। तो अब उन्होंने विचार किया कि ये साधु सन्यासी महाराज अपने यहाँ आए हैं, तो पहले इनको भोजन कर लेने दें, बाद में अपन कर लेंगे। तो पहला भाग जो ठाकुर जी के लिए निकाला था वही भाग अतिथि को दे दिया। अतिथि ने वो जो भाग उन्होंने दिया था वह पूरा भाग जो है भोजन कर लिया। फिर बोले अभी तो और चाहिए। तो ऐसा करते हुए उन्होंने परिवार के सभी सदस्यों के भाग को ग्रहण कर लिया। अब उनके पास में खाने के लिए कुछ भी नहीं रहा और अतिथि भोजन करके चला गया। वे महात्मा बिना भोजन के ही उनका पूरा परिवार फिर दूसरे दिन की प्रतीक्षा करने लगा। दूसरे दिन फिर गए, कुछ अनाज फिर मिला, उससे फिर सत्तू बनाया और वो अतिथि फिर आ गए। ऐसा करते हुए 3 दिन हो गया। अतिथि ने देखा कि ये ब्रह्म ऋषि तो बिल्कुल भी क्रोधित नहीं हुए। तब वह अतिथि कहने लगा कि हे ब्रह्म ऋषि, बताइए कि मैं प्रतिदिन आपके यहाँ का समस्त भोजन जो है जीम लेता हूँ, आपको क्रोध नहीं आता? तब ये ब्रह्म ऋषि कहने लगे कि हम ग्रस्त हैं और अतिथि को भोजन कराना हमारा परम कर्तव्य है और ईश्वर की लीला को कौन जान सकता है? हो सकता है भगवान इसी बहाने हमारे ऊपर कृपा करने वाले हों। हम तो यह मानते हैं कि आपका आना या हमारे ऊपर कोई ईश्वरीय कृपा होने वाली है। ऐसा उन ब्रह्म ऋषि ने जैसे ही कहा वैसे ही वहाँ पर साक्षात धर्म प्रकट हो गए और कहने लगे, हे ब्रह्म ऋषि, मैंने 3 दिन तुम्हारी परीक्षा ली, 3 दिन तुम्हें तनिक भी क्रोध नहीं आया और तुमने अपने धर्म का पालन किया। निश्चय ही तुम मुझसे कोई वरदान मांग लो।
तब वे ब्रह्म ऋषि कहने लगे कि प्रभु क्या वरदान मांगे। अरे जो मांग लेता है तो वह तो सबसे बड़ा गरीब हो जाता है, मैं कुछ नहीं मांगूंगा, बस मैं एक ही बात आपसे कहता हूँ कि प्रभु के चरणों में मेरी भक्ति बनी रहे, यही मैं मांगता हूँ, और कोई दूसरी चीज़ मेरी मांगने की इच्छा नहीं। तब वे धर्मराज कहने लगे कि निश्चय ही ब्रह्म ऋषि जब तुम्हारी आयु पूर्ण हो जाएगी तब तुम मेरे लोक में निवास करोगे। ऐसा कहते हुए धर्मराज तो अपने लोक को चले गए। मैं ये सब बातें सुन रहा था तो इन बातों को सुन के मेरे मन में भी बड़ी प्रसन्नता हुई। तो जहाँ पर वो धर्मराज ने हाथ और मुंह धोया था वहाँ भी थोड़ी सी कीचड़ थी, तो मैं उसमें लौट गया। अब लौटा तो मैं एक तरफ तो सोने का हो गया, दूसरी तरफ सोने का नहीं हुआ। तो मेरे मन में विचार आया कि ये मेरा दूसरा शरीर का जो हिस्सा है ये भी सोने का हो जाए। तो अब मैंने सुना कि पांडव लोग जो है अश्वमेध यज्ञ किए हैं, लोग कहते हैं कि ऐसा यज्ञ जैसा पांडवों ने किया वैसा यज्ञ ना तो अभी तक किसी ने किया और भविष्य में होगा भी नहीं। तो मैं इस कामना से आया था कि यहाँ की कीचड़ में मेरा शरीर जो बाकी रह गया वो भी सोने का हो जाए, लेकिन मेरा यहाँ आना बड़ा ही बेकार रहा। एक वो धर्मराज थे जो ब्रह्म ऋषि के यहाँ दर्शन देने के लिए आए थे, 3 दिन उन्होंने भोजन किया और जिस जगह उन्होंने हाथ और मुंह धोए थे उस कीचड़ में मैं लौटा तो एक पक्ष मेरा सोने का हो गया, और एक धर्मराज तो आप भी हैं, और आपने काफ़ी लंबे चौड़े समय तक यह अश्वमेध यज्ञ किया, लाखों जनताओं को तुमने भोजन कराया, बहुत सारा दान भी दिया, लेकिन वो जो कुरुक्षेत्र में ब्रह्म ऋषि ने जो सतुआ यज्ञ किया था उस यज्ञ की और तुम्हारे यज्ञ की यदि तुलना की जाए तो जो तुमने यज्ञ किया है वह उस सतुआ यज्ञ के 16वीं कला के बराबर भी नहीं है। यानी वो कुरुक्षेत्र में रहने वाले जो ब्रह्म ऋषि थे उनके सामने यह तुम्हारा किया हुआ यज्ञ कुछ भी नहीं है, क्यों कि मेरा शरीर का जो दूसरा पक्ष है वो सोने का नहीं हुआ। ऐसा कहते हुए वह नकुल वहाँ से चला गया। तब भगवान हँसते हुए कहने लगे कि सुनो धर्मराज युधिष्ठिर, यह लीला मैंने क्यों रची? ये तुम्हारे चारों भाई, इनके मन में अहंकार आ गया था कि हमने जैसा यज्ञ किया ऐसा यज्ञ कोई दूसरा नहीं कर सकता। तो धर्मराज युधिष्ठिर सुनो, तुमसे भी बहुत बड़े बड़े दानी इस दुनिया में अनेकों हो गए हैं और भविष्य में होंगे भी, धरती कभी निर्बीज नहीं होती है, इसीलिए कभी अहंकार नहीं करना चाहिए। ये सृष्टि पहले भी थी, पहले भी इसमें धार्मिक कार्य होते थे, वर्तमान में भी है, वर्तमान में भी धार्मिक कार्य हो रहे और भविष्य में भी होंगे। बंधुओं यह कथा आपको कैसी लगी नीचे कमेंट्स बॉक्स में लिखें। आज के लिए बस इतना ही, शेष अगले भाग में नए विषय के साथ में उपस्थित होंगे। आज्ञा दीजिए, धन्यवाद। जय माता की, जय परशुराम जी की।